वाराणसी के लक्सा मेले में शुमार विश्व प्रसिद्ध नागनथैया लीला का सफल आयोजन तुलसी घाट पर किया गया। भगवान कृष्ण की ये लीला कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी की दोपहर काशी के घाट पर की जाती है। धर्म और विद्या की नगरी काशी में सैकड़ों वर्षों से लगातार हो रही अद्भुत नागनथैया लीला को देखने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। बीते दो वर्षों में कोरोना संकट के कारण इस मेले का आयोजन सांकेतिक तौर पर हुआ था। और यहाँ हर साल नागते जब बचपन से ही हम लोग ये देखते आए हैं, और वो जो क्रीड़ा करते करते कृष्ण भगवान कदम के पेड़ पे चढ़ते हैं, वो गिरते, उसका देखने का एक अलग ही लोगों में क्रेज़ होता है। अभी जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता जाएगा, भीड़ दुगनी तिगनी बढ़ती चली जाती है, तो वो देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। कृष्ण लीला होती है, जो कृष्ण भगवान बॉल के अपने दोस्त बचपन में जब दोस्तों के साथ, आज की डेट में दोस्त कहते हैं, उस समय सखा कहा जाता था, उन सखा लोगों के साथ खेलते खेलते वो उनकी बॉल जो होती है वो चली जाती है, गेंद जो होती है वो यमुना जी में चली जाती है, तो लोग बोलते हैं कि आप ही जाओ लेने के लिए। मैं बनारस की रहने वाली हूँ। आज के दिन ये प्राचीन काल से ये होते आ रहा है यहाँ पे, मुझे ये तो नहीं कितने, लेकिन बहुत पुरानी ये परंपरा है। आज क्या दिन क्या आता है कि यमुना में भगवान कह रहे थे, आज गंगा यमुना बन जाती है। अब भगवान का रूप धारण यहाँ पे लोग आते हैं, भगवान कृष्ण अपने सखा लोग के साथ यहाँ पे गेंद खेलते हैं, गेंद खेलते खेलते यमुना में चली जाती है। भगवान यमुना में फिर कूद के वो बॉल निकालते हैं गेंदा, और फिर उसमें वो तो उनकी वो लीला रहती है, वो तो बस एक प्रक्रिया रहती है कि गेंद के साथ खेलें। उनका तो मेन मकसद ये था कि कालिया का अंत करना है, वो जो पूरे गाँव को परेशान किया था, सबके गाय को आदमी लोग को खा जाता था। फिर वो जाते हैं गेंद निकालते हैं, फिर कालिया का अंत करते हैं, फिर कालिया को समझ में आता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, फिर उसको